वेलकम बैक टू चैनल टुडे आवर टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट छोटा सा कंसेप्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है इसको समझेंगे हम और उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है उसको भी हम अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे हम क्योंकि तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक जो होगा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और उसी में हमारे पास इलेक्ट डाइपोल मूवमेंट का कंसर्ट भी आता है तो पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट डाइपोल मूवमेंट के कंसर्ट को समझेंगे हम उसके बाद हम टॉपिक पर जाएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन दो क्वेश्चन हमारे पास जो है वो इसी पर बेस्ड है लेकिन सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसर्ट समझेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो, होता है हमारे पास जो ऑलरेडी मैंने लिख कर रखा है इट इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक मींस चार्ज मींस दो चार्जेस से बना हुआ हमारे पास क्या होता है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है डाइपोल मींस टू इलेक्ट्रिक मींस चार्ज तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो बना होता है दो चार्जिस से जो मैंने यहां पर लिख कर रखा है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होते हैं तो देखिए हमारे पास एक हमारे पास चार्ज नेगेटिव है माइनस क्यू दूसरा चार्ज हमारे पास क्या है प्लस क्यू है उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस हमने लिया है टू ए तो ये जो हमारे पास है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल इट इज कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देखिए अगर हमारे ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है जितना मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का होगा उतना ही मैग्नीट्यूड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का भी होगा अगर हम यहाँ पर कहेंगे ये माइनस टू कोलम होगा और ये आपके पास क्या होगा ये प्लस टू कोलम होगा तो इक्वल मैग्नीट्यूड्स का चार्ज होते हैं दोनों हमारे पास इक्वल मैग्नीट्यूड्स में होते हैं और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है टू ए टू ए हमारे पास क्या है एक स्मॉल डिस्टेंस होता है तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डायपोल जो बना होता है दो चार्जिस से बना होता है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है लेकिन अपोजिट होते हैं अगर एक हमारे पास नेगेटिव है दूसरा हमारे पास क्या है पॉजिटिव होगा यहीं से हमारे पास जो है <coughs> डेफिनेशन निकलते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं इस इलेक्ट्रिक uh, डाइपोल मूवमेंट को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे हम इट इज डिफाइंड एज द द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज दो में से कोई एक चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इस लैक्टाइपोल मोमेंट को हम पी सर्जन करते हैं यह किस को होता है ये Q2A के ए है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो यहाँ पर अभी मैंने कहा आ, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज दो में से कोई एक चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम क्यू लिया हमने ये आपके पास क्या आया मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज दो में से कोई एक चार्ज इन डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दो चार्जेस के बीच बीच में डिस्टेंस हमारे पास क्या है टू ए है तो ये जो हमारे पास आया दैट इज़ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट किस होता है क्यू टू ए के खुलता है क्यू हुआ हमारे पास चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज दो में से कोई एक चार्ज क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड भी हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव 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 का तो होता इन टू प्रोडक्ट होता है हमारे पास इंटू टू क्या होता है टू हमारे पास होता है इन दो चार्जिस बीच में डिस्टेंस ये हमने फाइंड आउट किया यहाँ से हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इसके होता है अब देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है हमारे पास ये वेक्टर क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन जब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है ये इसका इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा वैल्यू भी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी तो यहाँ पर जो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन होती है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की वो फ्रॉ इट इज़ फ्राम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज तो इसकी जो डायरेक्शन होती है हमारे पास कहाँ से कहाँ की तरफ होती है फ्राम माइनस क्यू टू प्लस क्यू तो हमारे पास इसकी जो डायरेक्शन जो होती है हमारे पास इलेक्ट डाइपोल मूवमेंट की वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है इसके बाद यहाँ से हम इसका ऐसा SI यूनिट भी निकाल सकते हैं वट इज़ एस यूनिट ऑफ दिस इलेक्टाइपोल मूवमेंट तो इसका ऐसा SI यूनिट क्या है देखिए हमारे पास इलेक्टाइपोलमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस क्यों होता है चार्ज का यूनिट क्या है कोलम है डिस्टेंस का यूनिट क्या है हमारे पास टू ए आपके पास क्या है डिस्टेंस है डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर है तो कोलम मीटर हमारे पास क्या आएगा इसका ऐसा SI यूनिट आएगा तो ये जो अभी मैंने कहा कंसेप्ट मैंने दिया आपको कि हमारे पास अलेक्ट डाईपोल मूवमेंट क्या होता है आ, या इससे पहले मैंने अलेट डाइपोल मूवमेंट अलेक्ट डाइपोल का कंसर्ट मैंने बोला अलेक्ट डाईपोल क्या होता है अलेक्ट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है अब देखिए अगर आपको अलेक्ट डाइपोल की कोई एग्जाम्पल हम अगर देंगे हम तो इसकी एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो आप जैसे हमारे पास जो है आई सी एल है हमारे पास है ये भी हमारे पास क्या है अलेक्ट डाईपल है हमारे पास है जिसमें एलेक्ट डाईपोल मोमेंट होता है जो जो हमारे पास ये आई सी एल हमारे पास क्या है ये भी आपके पास क्या है एक एक इलेक्ट्रिक डायपोल है इसी तरीके से हमारे पास एच टू ओ है वाटर हमारे पास है ये भी आपके पास इसमें भी हमारे पास क्या है ये भी आपके पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये हमारे पास जो है इनमें हमारे पास क्या होंगे पोलर मॉलिक्यूल्स इनको कहा जाता है पोलर मॉलिक्यूल जैसे हमारे पास आई है एच पॉजिटिव होगा और सी हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा इनके बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा हमारे पास तो हम क्या कहेंगे एच सी एल दिस दिस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हमारे पास ये डायपोल है तो इसमें अलेक्ट डायपोल मूवमेंट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से क्लियर आपको तो ये हमारे पास छोटा सा कॉन्सेप्ट था डायपोल क्या होता है और अलेक्ट डायपोल मूवमेंट क्या होता है ओके